बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, क्लास नाइन्थ आर्ट्स जनरल मैथ और लेक्चर आपका 11B है, यूनिट नंबर आपकी 6 है और यूनिट नंबर 6 में जो आपकी एक एक्सरसाइज थी 6.3 जिसमें साइंटिफिक नोटेशन का यूज़ हुआ था और मैंने आपको कहा था कि साइंटिफिक नोटेशन क्या होता है, कैसे होता है और इसके क्या बेनिफिट्स होते हैं। जब हम कैलकुलेटर को यूज़ कर रहे होते हैं तो कैलकुलेटर में हमारे पास जब बहुत वैल्यू बड़ी हो जाती है और हमारे कैलकुलेटर में तकरीबन 9 या 10 डेसिमल प्लेस तक आपके 10 वैल्यूज तक आपके डिजिट्स तक आपका नंबर आ सकता है। तो जैसे ही आपके 10 या 11 डिजिट से ज़्यादा आपके नंबर आते हैं, कुछ ऐसे नंबर्स होते हैं जिसे हम डिवाइड और टर्मिनेट ही नहीं कर सकते। जैसे अगर हम 7/3 लेंगे तो इसे टर्मिनेट नहीं कर सकते, उसकी जो वैल्यू होगी वो कंटिन्यूसली चलती जाती है। तो इसी तरह कैलकुलेटर में कुछ वैल्यूज ऐसी होती हैं जिसे हम टर्मिनेट भी नहीं कर सकते, तो वहाँ पर आपको उसका आंसर बहुत लंबा मिलता है। लेकिन साइंटिफिक नोटेशन में ये एक प्रॉब्लम होती है कि आपकी जो वैल्यू होती है वो बहुत ज़्यादा नीचे जाकर डेसिमल के बाद लिखी होती है और हमें ये मालूम नहीं पता चलता कि ये क्या वैल्यू है और किसके मुताबिक है या किसके बराबर है। ठीक है, तो मैं अभी आपको एक एग्जाम्पल दिखाती हूँ कि जो हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन है और फिर उसको ही आज के इस लेक्चर में साइंटिफिक नोटेशन को एक्सप्लेन कर रही हूँ। क्योंकि हमारी क्लासेस ऑनलाइन जा रही हैं, सामने होते तो आप लोगों को, मुझे भी तसल्ली होती है कि आप लोगों को ये बात चीज़ समझ आ गई है या नहीं आई, या आप मुझसे अगर नहीं समझ आई है तो आप पूछ लेते। तो लेकिन मैंने अपने इस चीज़ के लिए कि मे भी शायद आपको ये चीज़ को ना समझ आया हो, तो मैं इसको एक दफ़ा फिर इसके ऊपर एक लेक्चर तैयार कर दूँ ताकि अगर कोई डाउट रह गया हो तो आपको वो क्लियर हो जाए। ठीक है, ये देखिए आपकी कैलकुलेटर में मैंने दो नंबर्स को मल्टीप्लाई किया और दोनों नंबर 6-6 डिजिट्स के थे, तो उसका जो आंसर आया है वो 4.7511454483 और उसके साथ मल्टीप्लाई और 10^11 लिखी हुई है। दैट मीन्स कि ये 10 की पॉजिटिव वैल्यू का मतलब है कि आपकी 4 वैल्यू जो है वो बहुत ही ग्रेटर है। ठीक है, तो ये है साइंटिफिक नोटेशन जिसे हम कैलकुलेटर में बहुत दफ़ा आता है। तो हमने इसको आपको इसका लेक्चर पहले भी दिया था, तो लेकिन मैं आपको इसको इजी एग्जांपल की मदद से आपको समझाती हूँ कि साइंटिफिक नोटेशन कैसे की जाती है। ठीक है, कैलकुलेटर में बड़ी वैल्यू दिखाने का मकसद यह था कि ये छोटे, जैसे ये आपके एग्जांपल्स हैं, तो इस नंबर पे आपको कभी भी साइंटिफिक नोटेशन नहीं मिलेगी। तो साइंटिफिक नोटेशन हमेशा मोस्टली बड़े नंबर्स पर आती है, लेकिन आप लोगों को एक्सप्लेन करने के लिए, आपको समझाने के लिए हमेशा हम इजी एग्जांपल ली जाती हैं। बड़ी वैल्यूज ले लेंगे तो फिर आप वैसे ही उनको देखकर घबरा जाएंगे। साइंटिफिक नोटेशन जो होती है वो बेसिकली क्या होती है कि आपकी 10 की पावर होती है। अब जैसे 1 नंबर होगा तो दैट मीन्स कि इसमें 10 की कोई भी पावर नहीं है और इसे 0। अगर हम 10 की पावर में लिखना चाहेंगे तो इसे 10 की पावर 0 लिखते हैं, लेकिन इस यूनिट वैल्यू है 1, एक यूनिट वैल्यू, इसमें 10 कुछ भी नहीं है तो इसलिए इसकी पावर 0 होगी। और 10 में 10 1 टाइम्स आया, 100 में 10 2 टाइम्स होता है, यानी 10 को 10 से मल्टीप्लाई करें तब आपके पास 100 आता है, तो दैट मीन्स कि 10 की पावर स्क्वायर होगी। 1000 में 10 की पावर क्यूब होती है और दैट मीन्स के 10 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होता है। अगर आपका 10 डिनोमिनेटर में चला जाए तो उसकी जो पावर होती है वो नेगेटिव में होती है, और नेगेटिव का मतलब होता है कि ये डिनोमिनेटर में पावर है, यानी 1/10 है, दैट मीन्स की सिंगल 10 है तो -1। 100 है, 100 की असल वैल्यू जो होती है वो 10 स्क्वायर होता है, लेकिन -2 शो इसलिए कर रहा है कि ये डिनोमिनेटर का 10 है। ठीक है, अगर हमें ये नहीं, इसमें और इसमें सिर्फ नेगेटिव के साइन की मदद से पता चलेगा कि ये 100 मल्टीप्लाई हो रहा है और ये 1/100 है, डिनोमिनेटर में ये वैल्यू है, तो ये नेगेटिव साइन हमें ये क्लियर कर देता है। यदि इसी तरह 1/1000 है तो 10^-3 हो जाएगी, तो ये यहाँ पे पावर इनकी ख़त्म नहीं होती। 10^4, 10^5, 10^6, 10^7 जो भी है वो बढ़ती चली जाती हैं। जैसे कि आपके क्वेश्चन में था, और कैलकुलेटर में तो हमेशा जो 10 की पावर आपके मोर देन 10 हो जाती है तो तभी आपको वो साइंटिफिक नोटेशन में नंबर देता है। तो साइंटिफिक नोटेशन में नंबर होता है, ये आपकी एग्जांपल है और पेपर में क्वेश्चन में दी हुई है। क्वेश्चन में उन्होंने आपको एग्जाम्पल जो है वो 190.85 दिया हुआ है, जबकि उन्होंने आपको सॉल्व करके ये 1
मिस हो गया है, सिर्फ 90.85 का क्वेश्चन आपको सॉल्यूशन बुक में नजर आएगा। तो मैंने आपको इसीलिए ये वाला क्वेश्चन यहाँ पे कर दिया कि अगर 190.85 आ जाए तो आप इसे सॉल्व करेंगे। और कैसे, डेसिमल के बाद दो वैल्यूज हैं तो हमने डेसिमल रिमूव किया तो आपके पास डिनोमिनेटर में 100 आ गया। किस तरह आ गया ये आपको मालूम होगा कि जब आपको डेसिमल को फ्रैक्शन में चेंज करें तो डेसिमल के बाद जितनी भी वैल्यूज होती हैं डिनोमिनेटर में उतने ही आपके वन के साथ जीरो होते हैं। और अगर डिनोमिनेटर में ऐसी वैल्यू लिखी हो और हम इसे डेसिमल में चेंज करना हो तो बजाय हम डिवीजन करने के हम डायरेक्ट कर देंगे टू वैल्यूज, दैट मीन्स कि 10^2 है तो 2 डेसिमल प्लेसेस तक आपका आंसर होगा। अब आपको ये मालूम इस तरह भी साइंटिफिक नोटेशन की इस पावर से भी पता चल जाएगा कि 10^100 का मतलब है 10^2 तो 2 डेसिमल प्लेस होंगे। अगर आपके पास 10^3 होगी तो दैट मीन्स के डेसिमल प्लेसेस भी 3 होनी चाहिए। ठीक है, ये बात थोड़ा और क्लियर हो गई। अब हमने ये क्या किया, ये आपके डिनोमिनेटर में था, मैं इसे पावर में ले गई और पावर में 10^2 लिख दिया। अब मुझे असल में साइंटिफिक नोटेशन क्या क्या होता है कि आपके पास फर्स्ट वैल्यू जो रहती है उसका वैल्यू प्लेस बताया जाता है साइंटिफिक नोटेशन में। तो हमने फर्स्ट वैल्यू को एज अ होल नंबर और बाकी सारे नंबर्स को एज अ डेसिमल लेना है। तो मुझे यहाँ पे 1, 2, 3, 4 डेसिमल प्लेसेस चाहिए और 1 को सेपरेट करने के लिए तो मैंने उसे 10,000 से डिवाइड किया। 10,000 से जब डिवाइड किया हमने किया तो मल्टीप्लाई में भी उसे 10,000 से करेंगे। अब 10,000 से यहाँ पे आपका सेपरेट हो गया 1.9085, यानी आपके पास 10^4 यहाँ पे 4 थी तो 4 डेसिमल प्लेस में ही आंसर चला गया। अब ये हो गया, ये तो हमारे पास क्लियर हो गया। अब यहाँ पे 10^2 आ गई है, 1 -2 और 1 10^4। अब हमने इसे सॉल्व करना है, 2 क्योंकि बड़ा था तो मैंने 4 बड़ा था तो 4 - 2 लिख दिया और 2 पॉजिटिव हो गया और यहाँ पर 1.9085 × 10^2। और अगर वो से देखें तो ये 10^2 क्या थी, 100 का क्या मतलब है कि 100 स्क्वायर, तो यही लिखा हुआ है यहाँ पे। तो 10^2 है, यानी ये जो 1 की वैल्यू थी वो 100 की वैल्यू थी, 10^2 थी। और ये आपका साइंटिफिक नोटेशन होता है, इसे कहते हैं साइंटिफिक नोटेशन और इसे बोलते हैं डेसिमल नोटेशन। इसी एग्जांपल में से एक और मैंने कर दिया जिसमें आपके पास 0.018 है और उसको भी एक सॉल्व कर दिया मैंने। और अगर हम इसे डेसिमल रिमूव करके फ्रैक्शन में लिखें तो 18 आएगा और 18 में 1, 2, 3, 4 डेसिमल प्लेसेस का मतलब है कि आपकी 10^4 है लेकिन डिवीजन में। और यहाँ पे 10^4 लिख दी क्योंकि डिवीजन में थी, लेकिन 10^ में जब ऊपर न्यूमिनेटर में लाई तो -4। अब यहाँ पे 18 भी चाहिए हमें, 1 और 8 सेपरेट चाहिए तो मैंने 10 से, क्योंकि सिर्फ दो नंबर से 18 था तो 18 में दो नंबर थे तो इसको सेपरेट करने के लिए 10 से मल्टीप्लाई और 10 से डिवाइड किया। और जो मल्टीप्लाई होने वाला है वो इसके साथ जाके इसके साथ उसने एडजस्टमेंट की, 1 - 4 तो -3 और इस वाले ने इसको डेसिमल प्लेस में कर दिया और ये क्वेश्चन हो गया। अब ये गौर से देखिए इस क्वेश्चन को तो 1, 2, 3 यानी ये 1 जो है वो डेसिमल का थर्ड नंबर है और ये देखिए 10 - 3 लिखा हुआ है, दैट मीन्स के ये आपका थर्ड डेसिमल प्लेस है। ठीक है, और इसी तरह एक और एग्जांपल है आपकी, इस वहाँ पर है आपके पास नंबर और साइंटिफिक नोटेशन में भी नहीं है। अगर साइंटिफिक नोटेशन भी होता तो यहाँ पे 1 point something होना चाहिए था, लेकिन ये साइंटिफिक नोटेशन भी नहीं है लेकिन हमें इसे डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो मैंने इसको और डेसिमल्स को रिमूव किया, फ्रैक्शन में लाई तो डेसिमल के बाद 1, 2, 2 वैल्यू जो है दैट मीन्स के 10^2 होगी और 100 आ गया। अब 100, अब ये क्योंकि नेगेटिव था इसे पॉजिटिव करने के लिए मैंने 1/10^4 कर दी। और 10^4 क्या होती है, वो बेसिकली 10,000 होता है। तो मैंने यहाँ पर अब ये 10^4 जो है इसे हमने सिंपल नंबर में लिख दिया है और वो है 10,000 और ये 100। अब 100 और 10,000 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास बेसिकली अगर ये 3,000 की है और ये 100,000 नंबर हो जाएगा। 100,000 में आपके पास 6 ज़ीरोज़ होते हैं, तो 6 ज़ीरोज़ को अब हमने डेसिमल में शिफ्ट करने लगे इस फ्रैक्शन को तो आपके पास 4 वैल्यूज़ आपके पास न्यूमिनेटर में है जबकि हमारे पास डिनोमिनेटर में 6 ज़ीरो, दैट मीन्स 10^6 है।
तो 7 की पावर 6 करने के लिए हमने 2 एक्स्ट्रा 0 स्टार्टिंग में लगाइएगा। ये याद रखिए क्योंकि जब हमें जीरोस को फिलिंग करनी हो है तो स्टार्टिंग में लगाएंगे, बाद में नहीं लगाएंगे, बाद में लगाएंगे तो वो ये बल्कि 1000 की बजाय 100,000 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आर की वैल्यू जो है डेसिमल के बाद 201842 और ये आपके पास 6 डिजिट प्लेसेस हो गए जो कि डिनोमिनेटर 10 की पावर 6 होने की वजह से। ये क्वेश्चन आपकी एक्सरसाइज के ही हैं और मैंने उसमें से, लेकिन ये क्वेश्चन नंबर 2 के कुछ पार्ट्स हैं जिसमें से एक ये पार्ट था कि जिसे हमने डेसिमल रिमूव किया तो ये होल नंबर में गया था। ये डेसिमल यहाँ पर 2 डेसिमल प्लेस थे जबकि 10 की पावर 4 थी, मोर देन डेसिमल प्लेसेस थी। तो 68/100 और 100 के 2 जीरो और 1000 के 4 जीरो का मुकाबला होना है, तो देखते हैं कि कहाँ पे ज़्यादा जीरो। ये ले जी मुकाबला जब हुआ तो 100 के 2 जीरो तो ख़त्म हो गए जबकि 10,000 के 2 जीरो तो कट गए लेकिन 2 जीरो अभी भी हैं, तो वो 2 जीरो आपके 86 से मल्टीप्लाई होंगे और 8,600 आंसर आया। और ये एक बहुत क्वेश्चन था जिसमें आपका पॉजिटिव और नंबर में आंसर आया था, वरना मोस्टली ज़्यादातर आपके नंबर्स डेसिमल प्लेसेस में ही जा रहे थे, ठीक। और इसी तरह आपकी तसल्ली के लिए एक ऐसा ही कि आपके पास डेसिमल प्लेसेस हो, यहाँ पे 636.5 है और जहाँ पर डिनोमिनेट 10 की पावर -6 है, दैट मीन्स कि यहाँ पर डेसिमल प्लेस 1 है और आपके पास ये वाली 600 की वैल्यू है, जबकि आपके पास 10 की पावर -6 का मतलब है कि ये सारे के सारे नेगेटिव में चले जाएंगे, डेसिमल प्लेसेस में चले जाएंगे। यहाँ पे 1 सिर्फ डेसिमल प्लेस था तो 10 आया और इसे पॉजिटिव करने के लिए 1/10^6 लिखा, पर 10^6 को मैंने उसे मतलब है खोल कर 10 के साथ मतलब है इसे हो जाएंगे 10, ये भी 100,000 हो जाएगा, 100,000 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो ये 10,100,000 होगा, जिसे मैं आपको कॉमास लगा के भी क्लियर कर देती हूँ। ये देखिए अब आप लोगों को मैंने यहाँ पे भी दिखा दिया है कि ये 3-3 के जीरोस का मतलब होता है ये 1000 और ये 100,000 अलग आ गए जिसे हम 1,000,000 बोलते हैं। और इसी तरह यहाँ पे भी जो जीरोस लगा दिए एक कोमा इधर भी आएगा। ओके ये आपका है 1,000,000 और 1,000,000 के साथ जब 10 मल्टीप्लाई हुआ तो 10,000,000। ये आपके इंटरनेशनल काउंटिंग है जिसमें आपके 3-3 का ग्रुप्स होता है। इंटरनेशनल काउंटिंग हमारी जो लोकल काउंटिंग होती है उससे ज़्यादा आसान होती है। अब ये देख लें यहाँ पर आपके पास 1 और ये 3 और ये 3 7 जीरोज़ है और आपके पास सिर्फ और सिर्फ 4 वैल्यूज़ हैं, तो हमने जब इसे डेसिमल में चेंज करना है तो आपके इस 4 के साथ 3 जीरोज़ अपनी तरफ से पुट करेंगे। अगर ये पुट नहीं करेंगे तो आपके पास 7 डेसिमल प्लेसेस का मतलब पूरा ना होगा और क्वेश्चन सही नहीं होगा। ये साइंटिफिक नोटेशन थी जिसे मैंने चाहा कि आपको एक दफ़ा फिर रिवाइज़ कर दूँ ताकि आप लोगों को कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे, ठीक है। और अगर सामने होंगे तो अगर क्लासेस होगी फिर भी अगर आपको लगे कि कुछ रह गया है तो हम उसको क्लास में डिस्कस कर लेंगे इंशाल्लाह। अभी तक के लिए अल्लाह हाफिज़।